दोस्तों बड़ी ही दुखद खबर है। एयर इंडिया का विमान शुक्रवार देर रात हादसे का शिकार हो गया। दरअसल दुबई से कालीकट आ रहे एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के वक्त रनवे से बाहर चला गया। दुबई से 191 लोगों को लेकर आ रहे एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। विमान में 174 वयस्क, 10 बच्चे, 6 स्टाफ सदस्य सवार थे। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पे रेस्क्यू के लिए भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक यह विमान रनवे से फिसलकर एक घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक विमान उड़ा रहे पायलट की मौत हो गई है। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां घटना स्थल पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट संख्या AXB-1344 दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दोस्तों यह फ्लाइट दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था। शाम को 7:41 पर लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा। दोस्तों नीचे कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद।